नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 मार्च दिन रविवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव का हुआ शंखनाद। बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू। बिहार में कई नियोजित शिक्षकों के वेतन पर लगी रोक। बिहार के मौसम में बदलाव की संभावना। कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार में मंत्रियों की संख्या हुई 30। बिहार में वोटरों की संख्या 7 करोड़ से अधिक। WPL का फाइनल मुकाबला आज। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नवोदय विद्यालय समिति में नॉन टीचिंग स्टाफ के कई पदों पर भर्ती। नवोदय विद्यालय समिति में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। इस भर्ती के तहत जूनियर सचिवालय सहायक, महिला स्टाफ नर्स, इलेक्ट्रीशियन, सह प्लम्बर, मेस हेल्पर, MTS आदि पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों पर कुल 1377 भर्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती से संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव का हुआ शंखनाद। बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इसके बाद बिहार में आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी है कि 7 चरणों में चुनाव होगा। वहीं 4 जून को मतगणना होगी। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। इसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका में मतदान होगा। इसके बाद चरण 3 में 7 मई को झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया में मतदान तय है। वहीं चौथे चरण में 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर में चुनाव निर्धारित है। इसके बाद पांचवें चरण में 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर में मतदान होगा। छठे चरण में 25 मई को वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज में चुनाव निर्धारित किया गया है। आखिरी चरण में 1 जून को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट, जहानाबाद में मतदान होगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अमिताभ कुमार के बारे में। ये पेशे से एक भारतीय लेखक और पत्रकार हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1963 में बिहार के आरा में हुआ था। इन्होंने अपना स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। इनकी प्रकाशित रचनाओं में नो टीयर्स फॉर द NRI, हस्बैंड ऑफ द फैनेटिक, होम प्रोडक्ट, अ मैटर ऑफ रेट्स, लंच विद बिगोट आदि लिखे गए हैं। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए दिए गए पुरस्कार में गुगेनहाइम फेलोशिप और यूनाइटेड स्टेट्स आर्टिस्ट फेलो शामिल है। कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार में मंत्रियों की संख्या हुई 30। कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार में मंत्रियों की संख्या 30 हो गई है। सीएम नीतीश कुमार के साथ ही राज्य में 2 डिप्टी CM और 27 अन्य मंत्री हैं। नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है। सम्राट चौधरी यानी कि डिप्टी CM, वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग, विजय सिन्हा ये भी डिप्टी CM है। इन्हें पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व, कला संस्कृति एवं युवा विभाग विजय चौधरी, जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग विजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग प्रेम कुमार, सहकारिता और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास विभाग संतोष कुमार सुमन, सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग सुमित कुमार सिंह, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रेणु देवी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मंगल पांडे, स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग नीरज कुमार सिंह बबलू, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अशोक चौधरी, ग्रामीण कार्य विभाग लेसी सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मदन सहनी, समाज कल्याण विभाग नीतीश मिश्रा, उद्योग एवं पर्यटन विभाग नितिन नवीन, नगर विकास एवं आवास और विधि विभाग दिलीप जायसवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग महेश्वर हजारी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग शीला कुमार मंडल, परिवहन विभाग सुनील कुमार, शिक्षा विभाग जनक राम, SC ST कल्याण विभाग हरी सहनी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कृष्ण नंदन पासवान, गन्ना उद्योग विभाग जयंत राज, भवन निर्माण विभाग जमा खान, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रत्नेश सदा, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग केदार प्रसाद गुप्ता, पंचायती राज विभाग सुरेंद्र मेहता, खेल विभाग संतोष सिंह के पास श्रम संसाधन विभाग है। बताए गए मंत्रियों के नामों में से आपके पसंदीदा मंत्री कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार पुलिस मुख्यालय ने टॉप 10 बदमाशों पर इनाम का किया ऐलान।
बिहार पुलिस मुख्यालय ने टॉप 10 बदमाशों पर इनाम का किया ऐलान। बिहार पुलिस मुख्यालय ने टॉप 10 बदमाशों पर इनाम की घोषणा की है। इसमें 8 नक्सली शामिल हैं। मालूम हो कि बिहार की पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने के काम में लगी हुई है। इसी कड़ी में जमुई, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा के कई अपराधियों को इनाम की घोषणा की गई है। बेगूसराय और मुजफ्फरपुर के एक एक अपराधी का पता बताने पर 3-3 लाख के इनाम की घोषणा हुई है। इसके अलावा पुलिस ने 2 लाख और 1 लाख के इनाम का भी ऐलान किया है। अपराधियों के बारे में जानकारी देने पर पुलिस के द्वारा इनाम दिए जाएंगे। वहीं से पहले बिहार पुलिस ने अपराधी पर 50 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया था। ईवीएम हैकिंग पर बिहार के मुख्य सचिव आयुक्त ने कही ये बात। बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दीपक कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैकिंग में 0% की सच्चाई है। आज तक इस बात को कोई भी साबित नहीं कर पाया है। बिहार आज दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण बन चुका है। बिहार चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के बाद एक अलग पहचान बनाई है। इसके बाद बिहार अब देश को लीड कर रहा है। दूसरे राज्य बिहार से प्रेरणा ले रहे हैं और यहाँ के कामों की तारीफ कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त ने कहा है कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 0 वायलेंस के साथ चुनाव हुआ। बिहार में बड़े पैमाने पर अफसरों का तबादला। बिहार में बीते दिन बड़े पैमाने पर अफसरों का तबादला हुआ है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में सूचना जारी की गई है। राज्य में खतर डीएसपी के साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा के 3 अफसरों का तबादला किया गया है। वहीं से पहले 14 मार्च को 153 डीएसपी और 12 डीटीओ का ट्रांसफर किया गया है। आपको बता दें कि पटना में कार्यरत पुलिस उपाधीक्षक पंकज कुमार को डेहरी ऑन सोन में ट्रांसफर किया गया है। इनके अलावे साइबर क्राइम पुलिस उपाधीक्षक पटना अनुराधा सिंह को आर्थिक अपराध इकाई में भेजा गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान फेक न्यूज पर चुनाव आयोग की होगी पैनी नजर। लोकसभा चुनाव के दौरान फेक न्यूज पर चुनाव आयोग की पैनी नजर होगी। चुनाव आयोग के बिहार स्थित कार्यालय में फेक न्यूज और अफवाहों पर नकेल कसने के लिए सोशल मीडिया सेल का गठन हुआ है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तकनीक का प्रयोग कर भ्रामक खबरों पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा फेक न्यूज और अफवाहों पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। इससे राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की भी मदद ली गई है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट की टीम को चुनाव आयोग के कार्यकाल में नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने जांच पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गाड़ी का चालान कटने से बचने के लिए अपनाएंगे तरीका। गाड़ी का चालान कटने से बचने के लिए कुछ तरीकों को अपनाना जरूरी है। हाईवे या एक्सप्रेसवे पर ड्राइविंग करने के दौरान स्पीड की लिमिट का ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए अलग अलग स्थानों पर साइन बोर्ड पर स्पीड की लिमिट लिखी होती है। वहीं मालूम हो कि 2 पहिया वाहन पर बिना हेलमेट के रहने पर चालान कटता है। इसके अलावा 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान कट सकता है। इसलिए नियमों का पालन करना जरूरी है। वहीं हमेशा आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस को साथ में रखना चाहिए। इससे आप चालान कटने से बच सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे रोहतास दुर्ग के बारे में। रोहतास दुर्ग को लोग रोहतास गढ़ के नाम से भी जानते हैं। ये दुर्ग बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। ये भारत के प्राचीन दुर्गों में से एक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण राजा हरिश्चंद्र यदुवंशी के पुत्र रोहितास द्वारा करवाया गया था। इतिहासकारों के मुताबिक किले की 4 दीवारी का निर्माण शेर शाह द्वारा सुरक्षा के नजरिए से करवाया गया था। ये किला देखने में काफी भव्य नजर आता है। इसमें कुल 83 दरवाजे हैं। इसके प्रवेश द्वार पर बड़ी ही खूबसूरत हाथी दरवाजों के बुर्ज और पेंटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आज भी शीश महल, पंचमहल, खूंटा महल, आईना महल, मानसिंह की कचहरी आदि मौजूद है। किले की भव्यता देखते बनती है। यदि आपको भी ऐतिहासिक किले देखने का शौक है तो आप यहाँ आ सकते हैं। बिहार में कई नियोजित शिक्षकों के वेतन पर लगी रोक। बिहार के रोहतास में करीब 1.5 दर्जन नियोजित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनके वेतन पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन हुआ था। इसमें कई शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले थे। इसके बाद विभाग द्वारा रोहतास में शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। बताया जाता है कि 25 शिक्षकों का बीटेट, एसटेट और सीटेट का सर्टिफिकेट फर्जी था। इसमें 21 शिक्षकों के वेतन की जांच क्रमवार तरीके से जारी है। जांच जारी होने के कारण फिलहाल इनके वेतन पर रोक लगाई गई है। गाय को लंपी बीमारी से बचाने के लिए लगेगा टीका। बिहार में गाय को लंपी त्वचा बीमारी से बचाने के लिए 30 मार्च से टीका लगेगा। ये अभियान 15 अप्रैल तक चलेगा। इसमें लगभग 1 करोड़ 23 लाख गाय और बैल को टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाएगा।
ASCAD योजना के अंतर्गत सभी पशुओं को टीके लगाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार इसमें 15 करोड़ तक की राशि खर्च की जाएगी। इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार की हिस्सेदारी है। कर्मियों की ओर से पशुपालकों के घर में जाकर पशुओं को टीके लगाए जाएंगे। मालूम हो कि अब तक लंपी त्वचा बीमारी से कई गायों और बैल की मौत हो चुकी है। बिहार में वोटरों की संख्या 7 करोड़ से अधिक। बिहार में वोटरों की संख्या 7,64,33,329 है। इसमें से 4,29,000 पुरुष वोटर हैं, जजबकि महिला मतदाताओं की संख्या 3,64,01,903 है। दरअसल चुनाव आयोग की ओर से 243 विधानसभा और 40 लोकसभा सीटों के लिए वोटरों की संख्या का खुलासा किया गया है। इसी में ये बात सामने आई है। वहीं राज्य में 2,290 ट्रांसजेंडर भी वोट करेंगे। निर्वाचन आयोग की सूची के अनुसार लिंग के अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। ये 907 से बढ़कर 909 हो चुका है। आपको बता दें कि 7,00,000 से अधिक वोटर इस बार पहली बार वोट करेंगे। बिहार के मौसम में बदलाव की संभावना। बिहार का मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। गर्मी के साथ साथ धूल भरी हवा भी चलनी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई स्थानों पर आने वाले दिनों में बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। हालांकि प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। 18 मार्च से लगातार प्रदेश के कई जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री, तो कुछ जगहों पर 18 से 20 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। बैंक लॉकर की सुविधा लेने से पहले जाने नियम। बैंक लॉकर की सुविधा लेने से पहले कुछ नियमों को जान लेना जरूरी है। लॉकर में सामान रखने की चार्ज की बात करें तो लॉकर की साइज या लोकेशन पर इसका चार्ज निर्भर करता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का चार्ज अलग अलग होता है। SBI के छोटे लॉकर के रेट की बात करें तो ये 2,000 रुपये है। इसमें अतिरिक्त GST का चार्ज भी लग सकता है। वहीं ग्रामीण इलाकों में ये चार्ज 1,500 रुपये के आसपास है। इसके अलावा मालूम हो कि बैंक में आप हथियार आदि को नहीं रख सकते हैं, साथ ही गहने दस्तावेज आदि कीमती चीज़ों को आप बैंक में रख सकते हैं। बैंक के लॉकर में कैश को नहीं रखा जा सकता है। बिहार के राज्यपाल ने दिया बयान, कहा हम शस्त्र नहीं बल्कि शास्त्र में रखते हैं भरोसा। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राजगीर पहुंचे। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा है कि बोधगया और नालंदा वो भूमि है जहां शस्त्रों की तुलना में शास्त्रों को प्रमुखता दी गई है। पूरे दुनिया को आज भारत के करुणा और अहिंसा से संदेश लेने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा है कि नालंदा की भूमि से निकला ज्ञानोदय का संदेश हमेशा ही अहिंसा का ही रहा है। राज्यपाल ने कहा है कि देश की परंपरा कभी भी दूसरे पर आक्रमण करने की नहीं रही है। भगवान बुद्ध के विचार कभी भी आक्रमणकारी नहीं रहे हैं। सम्राट चौधरी का बयान, भाजपा के कोटे से 6 मंत्रियों की जगह खाली। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में भाजपा कोटे से 6 मंत्रियों की जगह खाली है। भाजपा से 6 और मंत्री बन सकते हैं। जल्द ही कैबिनेट का फिर से विस्तार किया जा सकता है और भाजपा के कोटे से इन पदों को भरा जा सकता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि कैबिनेट का विस्तार हुआ है लेकिन ये अंतिम नहीं है। जल्द ही एक और मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। अभी 6 मंत्रियों की सीट खाली है। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया गया है, वहीं अब फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। RJD ने राजगीर में एयरपोर्ट बनने को लेकर सरकार से किए ये सवाल। बीते दिन RJD ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की घोषणा को लेकर विपक्ष ने कहा है कि ये वोटरों को लुभाने का एक तरीका है। राजद ने कहा है कि बिहटा और पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण अब तक नहीं करवाया गया है, जबकि बिना केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे ही राजगीर और भागलपुर में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर दी गई है। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि सिर्फ जनता को भ्रमित करने का तरीका है। CM नीतीश कुमार ने इतने एजेंडों का फैसला अब तक नहीं लिया था। इस फैसले को साल 2024 के चुनाव को लेकर लिया गया है। बिहार में 20 सूत्री कमेटी का हुआ गठन। बिहार में 20 सूत्री कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वहीं डिप्टी CM सम्राट चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, ललन कुमार मंडल को उपाध्यक्ष चुना गया है। इधर चेतन आनंद, प्रहलाद यादव, नीलम देवी, संगीता देवी, भरत बिंद, मुरारी प्रसाद, गौतम, राजेश वर्मा, जगन्नाथ ठाकुर, सिद्धार्थ सौरभ, चंदन सिंह, भारती मेहता आदि को 20 सूत्री समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और RJD को छोड़कर आने वाले 20 बागी विधायकों को 20 सूत्री कमेटी में जगह दी गई।
WPL का फाइनल मुकाबला आज WPL का फाइनल मुकाबला आज है दिल्ली और बेंगलोर के बीच। इस मुकाबले में दोनों ही टीमें अपने अपने पहले खिताब के लिए खेल रही हैं। पिछली बार दिल्ली फाइनल सीजन में हार गई थी, वहीं इस बार दिल्ली की टीम अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है। 5 टीमों की लीग में वो 12 अंक के साथ टॉप में है। इस सीजन में दिल्ली को 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर आरसीबी ने कम स्कोर बनाने के बाद भी मुंबई को 5 विकेट से हरा दिया है। आरसीबी लीग चरण में तीसरे चरण पर थी, लेकिन फिलहाल दोनों ही टीमों पर सभी की नजर बनी हुई है। आपके अनुसार महिला प्रीमियर लीग में कौन सी टीम जीत का प्रबल दावेदार है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कैसे जाने कि आपके कंप्यूटर में वायरस है या नहीं? आज के समय में आपके फोन या कंप्यूटर में बढ़िया आसानी से वायरस डाले जा सकते हैं। कई लोग अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस तो रखते हैं, लेकिन अब विंडोज डिफेंडर आने के बाद एंटीवायरस रखने वालों की संख्या भी पहले से कम हो गई है। अब तो वायरस भी इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि इन्हें पहचानना भी काफी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस का पता लगा सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में कोई अकाउंट बिना कुछ किए साइन आउट हो रहे हैं, कंप्यूटर क्रैश हो जा रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, कंप्यूटर का स्पीड अचानक से स्लो हो गया है, तो समझ जाइए कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। ऐसा होने के बाद सिस्टम को एंटीवायरस से स्कैन करवाना बेहद ही जरूरी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1959 में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा तिब्बत से भारत पहुंचे थे। आज के दिन वर्ष 1962 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1987 में क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। आज के दिन वर्ष 1990 में बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 2006 में अमेरिका ने भारत को भरोसेमंद साझेदार घोषित किया था। आज के दिन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी बेंचमार्क प्रधान उधारी दरों पर 0.5% की कटौती की थी। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे बैंक कर्मचारियों को सप्ताह में मिलने वाले 2 छुट्टियों के बारे में। अभी हाल में बैंक कर्मचारियों को लेकर खबर थी कि अब इन्हें 5-day work week का तोहफा मिल सकता है, यानी सप्ताह में केवल 5 दिन ही काम करने होंगे और 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि बैंक कर्मचारी इस खबर के बाद काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अब उन्हें निराशा हाथ लगी है। दरअसल इस खबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने बैंकों में 5 दिन काम करने और 2 दिन छुट्टी को लेकर कहा है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अमिताभ बच्चन के अस्पताल में भर्ती होने वाली बात पर आई अपडेट। अमिताभ बच्चन ने अस्पताल में भर्ती होने वाली खबर को फर्जी करार दिया है। उन्होंने अस्पतालों में भर्ती होने वाले अफवाहों को विराम दे दिया है। बिग बी के एंजियोप्लास्टी की खबर फर्जी थी। वहीं अब अमिताभ बच्चन के उनके बेटे अभिषेक बच्चन के साथ इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मांझी मुंबई बनाम टाइगर्स ऑफ कोलकाता के मैच के दौरान एक फोटो सामने आई है। अमिताभ बच्चन ने स्टेडियम से बाहर निकलकर मीडिया को जवाब दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि मीडिया में उनसे जुड़ी फर्जी खबर सामने आई थी। बिहार के अगियाओं विधानसभा में इस दिन में होगा उपचुनाव। देश भर में लोकसभा चुनाव की आखिरी तारीख का ऐलान हो गया है। इसके अलावा बिहार के अगियाओं विधानसभा में उपचुनाव की भी घोषणा की गई है। मालूम हो कि अगियाओं विधानसभा सीट से मनोज मंडल विधायक थे, लेकिन इसी साल फरवरी के महीने में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। वहीं अब 7वें चरण के दौरान 1 जून को यहाँ से उपचुनाव होगा। मालूम हो कि साल 2020 में विधानसभा के चुनाव में सीट से सीपीआई माले के मनोज मंडल विधायक चुने गए थे, लेकिन इनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हर वर्ष किस तिथि को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 13 मार्च को, ऑप्शन बी है 14 मार्च को, ऑप्शन सी है 15 मार्च को, ऑप्शन डी है 16 मार्च को। इसका सही उत्तर है 15 मार्च को। किसने विदर्भ को हराकर 42वीं रणजी ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। कहाँ में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी है बेंगलोर, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है चेन्नई। इसका सही उत्तर है हैदराबाद। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है निरंजना, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है सोन।
इसका संयुक्त निरंजना। बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन ए है लालू यादव, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी है राबड़ी देवी, ऑप्शन डी है दीप नारायण सिंह। इसका सही उत्तर है दीप नारायण सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है आजाद कुमार गुड्डू, अभिषेक कुमार नौसाद, रजा रूपल, अतीक खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, राजीव कुमार, अवधेश चौधरी, रंजीत मिश्रा, साजिया इकबाल, कुश कुमार यादव, राजकिशोर महतो, राजकुमार, रवि कुमार, रवि कुमार राम, कुनर शर्मा, राजीव कुमार, रानी कुमारी, राहुल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आप किस लोकसभा क्षेत्र में मतदान करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।